सूरजपुर गांव में दो दोस्त रहा करते थे, राहिल और आहिल। राहिल बहुत ही गरीब था तो आहिल बहुत ही अमीर। राहिल खेत में मजदूरी करके अपना घर चलाता, लेकिन उसका दोस्त आहिल बहुत ही अमीर था और उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसने अपने घर में बहुत सारी बकरियां पाल रखी थी, जिनका वो दूध निकाल कर बेच कर अच्छे पैसे कमाता था। पर आहिल अमीर जरूर था पर दिल का जरा भी अच्छा नहीं था। लेकिन राहिल बड़ा ही नेक दिल था, उसे किसी का दुख देखा नहीं जाता था। एक दिन की बात है, आहिल अपने नौकर से अपनी बकरियों के बारे में पूछ रहा था। अरे भाई मंसूर, आज बकरियों ने कितना कितना लीटर दूध दिया है? जी हुजूर, नूरी और सोना ने 7-7 लीटर दूध दिया है और बाकी सभी बकरियों ने 8-8 लीटर दूध दिया है, पर हुजूर मुन्नी ने आज भी दूध नहीं दिया। ये क्या, सभी बकरियां हर रोज ज्यादा दूध दे रही है और मुन्नी दूध क्यों नहीं देती? मुझे तो ये बहुत बीमार लग रही है भाई, कहीं ऐसा ना हो इसके साथ रहते रहते बाकी की बकरियां भी दूध देना बंद कर दे। और वैसे भी मुझे नहीं लगता है कि अब ये कभी दूध भी देगी, इससे अच्छा तो इसे दूर कहीं जंगल में लेकर छोड़ाओ। आहिल अपने नौकर से ये सब बोल ही रहा होता है कि तभी इतने में ही उसका दोस्त राहिल आ जाता है। सलाम, किसे छोड़ने की बात हो रही है? सलाम, कुछ नहीं, बस मुन्नी को छोड़ने की बात कर रहा था। इसकी बीमारी की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि साथ वाली बकरियां भी दूध देना बंद कर दे। बस यही मैं मंसूर से कह रहा था कि जाकर इसे कहीं जंगल में छोड़ाए। अब तुम आ ही गए हो तो तुम ही इसे जंगल पर छोड़कर आ जाओ। राहिल उस बकरी को देखता है तो मन ही मन सोचता है, अगर इसे जंगल में छोड़ दिया तो कोई भी जंगली जानवर इसे खा जाएगा और अल्लाह मुझे कभी माफ नहीं करेगा। पर मैं अपने दोस्त को मना भी तो नहीं कर सकता। फिर कुछ देर सोचने के बाद राहिल अपने दोस्त आहिल से कहता है, आहिल अगर तुम बुरा ना मानो तो ये बकरी क्या मैं अपने पास रख सकता हूँ? भला इससे मुझे क्या एतराज होगा? अगर ये बकरी तुम्हें रखनी है तो तुम इसे रख सकते हो। ये सुनकर राहिल खुश हो जाता है। शुक्रिया। राहिल मुन्नी बकरी को अपने साथ लेकर घर आ जाता है और जब उसकी माँ उसके साथ बकरी को देखती है तो उससे कहती है, अरे ये तो किसे ले आया, पहले ही यहाँ रोटी के लाले पड़े हैं और तू इसे अपने साथ ले आया। माँ सुनो तो, अगर मैं इसे अपने साथ नहीं लाता तो ये मर जाती। इसकी हालत देखी है, कितनी बीमार है ये। ये अगर इस समय इलाज ना मिले तो मर जाएगी और तेरे पास इसके इलाज के पैसे तक नहीं है। माँ माँ तुम चिंता मत करो, सब हो जाएगा। माँ गुस्से में बड़बड़ाती हुई बोली जा रही थी, जैसा तेरा जी करे ना वैसा कर, मुझे क्या है, वैसे भी तू मेरी कहाँ ही सुनने वाला है। राहिल अपनी माँ की बातों पर कोई ध्यान नहीं देता और फिर वो मुन्नी को खाने के लिए हरी हरी घास देता है तो मुन्नी झट से सारी घास खा जाती है, जैसे मानो वो कई दिनों से भूखी हो। और फिर वो उसे पीने के लिए पानी देता है तो वो पानी भी सारा पी जाती है, जिससे उसमें थोड़ी जान आ जाती है। और फिर वो बकरी राहिल को प्यार से चाटने लगती है, मानो वो उससे कह रही हो कि धन्यवाद। ये देखकर राहिल को बहुत खुशी हो रही थी। या अल्लाह, तूने मुझे गुनाह करने से बचा लिया, अगर मैं इसे जंगल में छोड़ आता तो तू मुझे कभी माफ नहीं करता। मुन्नी को भरपेट खाना ना मिलने की वजह से वो बहुत बीमार हो चुकी थी और बहुत ही ज्यादा कमजोर भी। फिर राहिल के पास पैसे भी नहीं थे, फिर भी वो अपना पेट काटकर उसका अच्छे से इलाज करवाता है और बहुत अच्छे से उसका ध्यान भी रखता है, जिससे मुन्नी धीरे धीरे ठीक होने लगती है और बड़ी भी होती जा रही होती है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और मुन्नी बड़ी हो जाती है और तंदुरुस्त भी, और अब वो दूध भी देने लगी थी। माँ देखा, आज भी मुन्नी ने कितना ज्यादा दूध दिया है। सही कहा तूने, अगर आज मुन्नी हमारे पास ना होती तो हम कभी पैसे नहीं कमा पाते, ये सब मुन्नी की ही तो वजह से हुआ है। इस तरह राहिल रोज मुन्नी का दूध निकालता और उसे बेचकर पैसे कमा रहा था, जिससे धीरे धीरे उसके हालात में सुधार आने लगता है। और जब एक दिन ये बात उसके दोस्त आहिल को पता चलती है तो वो सोचने लगता है, अच्छा तो ये मेरी बकरी का दूध बेचकर पैसे कमा रहा है, अब मैं भी देखता हूँ कि मेरी बकरी से कैसे दूध निकालता है और बेचता है। फिर उसी समय आहिल राहिल के घर पहुँचता है और जाकर उससे अपनी बकरी मांगता है। राहिल, मैंने तुम्हें जो बकरी दी थी वो मुझे वापस चाहिए। ये तुम क्या कह रहे हो, वो बकरी तो मेरी है, तुम तो उसे जंगल में छोड़ रहे थे जिस वजह से तुमसे बकरी मैंने ले ली थी। हाँ तो मुझे मेरी बकरी वापस चाहिए। नहीं, मैं तुम्हें अपनी बकरी नहीं दूंगा, मैंने उसे बड़े प्यार से पाला है। मैं खूब समझता हूँ तुम मुझे बकरी क्यों नहीं देना चाहते। क्या क्या मतलब है तुम्हारा?
यही कि मेरी बकरी से तुम दूध बेचकर पैसा कमा रहे हो, इसीलिए तुम मेरी बकरी मुझे नहीं देना चाहते। आहिल बकरी लेने के लिए पूरा जोर लगाता है पर वो उसे बकरी नहीं देता। तुम ऐसे नहीं मानोगे, अब तो ये फैसला पंचायत में ही जाकर होगा, तब तो तुम्हें मेरी बकरी देनी ही होगी। फिर आहिल और राहिल पंचायत के पास पहुंचते हैं और अपना अपना फैसला सुनाते हैं। उन दोनों का फैसला सुनने के बाद पंचायत ये फैसला लेती है। मैंने तुम दोनों की बात सुनी, पंचायत के हिसाब से बकरी राहिल के पास ही रहनी चाहिए, क्योंकि तुमने तो उसे जंगल में छोड़ आने के लिए कहा था, पर राहिल ने उसे अपने पास रखा और पाल पोस कर बड़ा किया, उसकी अच्छे से देखभाल भी की, इसीलिए बकरी राहिल के पास ही रहेगी। सरपंच जी, मैं मानता हूँ मैंने बकरी खुद राहिल को दी थी, लेकिन अब बकरी मुझे वापस चाहिए। तुमने जब बकरी राहिल को दी थी तब उसकी हालत बहुत खराब थी, फिर राहिल ने ही उसका इलाज कराया और पाल कर उसे बड़ा भी किया, इसीलिए बकरी राहिल की है और उसे ही मिलेगी। पंचायत का फैसला राहिल के हक में था और बकरी राहिल को मिल जाती है, जिससे वो बड़ा खुश होता है। अब मेरी मुन्नी हमेशा मेरे पास रहेगी। लेकिन ये बात राहिल के दोस्त आहिल को जरा भी अच्छी नहीं लगती और वो मन ही मन राहिल से बकरी लेने के बारे में सोचने लगता है। मैं किसी भी हाल में इससे अपनी बकरी लेकर रहूंगा। फिर जैसे ही रात होती है आहिल राहिल के घर पहुंच जाता है और वो देखता है कि बकरी घर के आंगन में बंधी हुई थी, और फिर वो और आहिल उसे चुरा कर अपने घर ले जाता है। और फिर जैसे ही सुबह होती है राहिल मुन्नी को चारा खिलाने के लिए जाता है और वो मुन्नी को ना पाकर परेशान हो जाता है। या अल्लाह, मुन्नी कहाँ चली गई? राहिल और उसकी माँ परेशान हो जाते हैं और वो उसे जगह जगह तलाशते हैं, पर उन्हें मुन्नी का कहीं भी पता नहीं चलता, जिससे राहिल और उसकी माँ परेशान हो जाती हैं। माँ, मुन्नी कहाँ गई होगी? उसे कौन ले गया होगा? तू चिंता ना कर, मुन्नी कहाँ ही गई होगी, देखना वो जरूर हमारे पास लौट कर आ जाएगी। वो हमें ढूंढती हुई जरूर यहाँ आएगी, हमारे पास जरूर आ जाएगी। और दूसरी तरफ आहिल मुन्नी को वापस पाकर मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। मुन्नी भी राहिल और उसकी माँ से दूर रहकर दुखी थी और वो खाना पीना सब छोड़ देती है, जिससे कि वो दूध भी देना बंद कर देती है और पहले की तरह बीमार होने लगती है। ये देखकर आहिल अपने नौकर मंसूर से कहता है, ये बकरी तो बार बार बीमार हो रही है, लगता है इसे कोई बीमारी हो गई है, कहीं ऐसा ना हो इसकी वजह से बाकी बकरियों को भी बीमारी लग जाए, इससे पहले कि ये और ज्यादा बीमार हो इसे कहीं जाकर छोड़ आता हूँ। फिर जैसे ही आहिल का नौकर मंसूर मुन्नी की रस्सी खोलता है तो मुन्नी उछलती कूदती भागती हुई सीधा राहिल के घर पहुँच जाती है, क्योंकि वो घर को अच्छी सी पहचानती थी। ये देखकर राहिल और उसकी माँ खुशी से पागल हो जाते हैं और रोने लगते हैं। मुन्नी, मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? पता है तेरे बगैर मैं कितना परेशान हो गया था, फिर कभी ऐसा मत करना। मैं ना कहती थी हमारी मुन्नी हमें ढूंढते हुए यहाँ पहुँच जाएगी। फिर राहिल और उसकी माँ मुन्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।